नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में ललई छठ पर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। बता दें कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ पुत्र की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने ललई छठ पर निर्जला व्रत रखा। मुहूर्त के अनुसार निर्धारित जगहों पर पहुंचकर महिलाओं ने पूजा अर्चना किया और संतान की लंबी उम्र की कामना किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बलराम जयंती, हल छठ या हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान बलराम व हल की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन दान व पूजन करने से सुख सौभाग्य बना रहता है। हल षष्ठी या ललई छठ हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी के त्यौहार पर महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ महिलाएं मंगलवार को हल छठ का व्रत रखी हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोतकर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती हैं। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुएं को ही खाया जाता है। यह त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्र आवाम पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। आइए सुनाते हैं कि व्रती महिलाओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? रीना देवी। कहाँ का घर है आपका? अतरौलिया। ये जो पूजा हो रही है, ये कैसे पूजा है, क्या है, इसके बारे में बताइए। कुश के पूजा है। कुश तीन छठी माता है। जो डाला छठी है वो बड़ी है, ये छोटी उनकी बहन है। ये तीन छठी माई है, कुश वाली पूजा है। लड़का की व्रत है। कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में बताइए। की विधि तिन्नी के चावल रही, भैंस के दही रही, भैंस के घी के दिया रही, अगरबत्ती रही, फूल रही, माला रही। हाँ, जो मनसा पूरा रही तो एक बस्तर उनके चढ़ा जाई पीला, बस यही रहा था। जो तले बोले खेते में लात नहीं डारे के, बस जो तले बोले में जाई तो बरत टूट जाई। आप भी व्रत रख रही हैं, कितने वर्षों से रख रही हैं? अरे हम 35 साल से रह पाते हैं। हाँ, क्षेत्र में यही पे आती है सब लोग महिलाएं? हाँ हाँ, यही आती है थाना पर सब लोग। कितना जने अब घर पर मंगा के करती है। क्या ये व्रत भी रहना पड़ता है? हाँ, किस टाइप का व्रत रहना पड़ता है? दिन भर सब रही, 4 बजे जो तिन्नी के चावल और करमुआ के साग, कितना जने भैंसी के दही और तिन्नी के चावल ये खाई है, बस। कैसे इसको आप लोग मतलब तोड़ती, कैसे आप उससे? नीमक से, बस वो 4 बजे वो तिन्नी के चावल से बस। और